क्रायो का मतलब होता है कोल्ड एंड थेरेपी का मतलब होता है ट्रीट. तो क्या है वेरियस टेक्निक जिससे हम कोल्ड को एडमिनिस्टर करते हैं, क्रायोथेरेपी का क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, कैसे जो हमारा बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करता है, तो दैट इज कॉल्ड द लोकल वेसो कॉन्स्ट्रक्शन. वेसो डायलेट कर रहा है, वेसो कॉन्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो दिस होमियोस्टेसिस दैट इज इक्विलिब्रियम रीच किया. उसके बाद क्या किया कि ये वेसो डायलेशन. हेलो एवरीवन, सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अनदर टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी दैट इज क्रायोथेरेपी. सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट ये है कि जो भी इसके हैंड रिटन नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे. तो आप क्या करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे उसके लिंक दिए हुए हैं, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम पे जाओगे और वहां से आपके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है. और आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे शेयर कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि आपके जो भी प्यारे कमेंट्स होते हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं या फिर कोई भी डाउट्स होते हैं, तो वो कमेंट को पढ़ के मैं समझ सकती हूँ कि क्या आपको चाहिए, तो फर्दर उस बेसिस पे मैं फर्दर वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है. तो आपके कमेंट्स बहुत ही मैटर करते हैं, तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट करें एंड फर्दर आप इस चैनल को डोनेट भी कर सकते हैं, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक दैट इज क्रायोथेरेपी. क्रायोथेरेपी, क्रायो का मतलब होता है कोल्ड एंड थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट. ये एक बहुत ही ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट वे है ट्रीटमेंट का. ये हमारे पेन को रिड्यूस करता है, फीवर को रिड्यूस करता है, ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करता है. अब क्या होता है कि ये वर्ल्ड वाइडली इसका इस्तेमाल होता है. क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव है, कन्वीनियंट है, लो कॉस्ट का है और इजी टू ट्रांसपोर्ट है. अब क्या है कि इट इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, जो क्रायोथेरेपी है वो किस चीज में बहुत ही कॉमनली यूज होता है, तो किस चीज में कॉमनली यूज होता है, दैट इज अक्यूट ट्रॉमा में, स्प्रेन में, स्ट्रेन में, कंट्यूशन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एंड टू रिड्यूस एडिमा. तो ये सब चीज में बहुत ही कॉमनली इसका इस्तेमाल होता है. अब हम बात करते हैं कि कोई भी अक्यूट इंजरी हो जाती है तो उसमें क्या ट्रेडिशनल रूल है जिससे अक्यूट इंजरी ट्रीट होता है. तो द ट्रेडिशनल रूल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट इंजरी इज राइस, दैट इज एवरीवन नो कि कोई भी अक्यूट इंजरी होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस पार्ट पे हम रेस्ट देते हैं, देन आइसिंग देते हैं, देन कंप्रेशन करते हैं, देन एलिवेशन करते हैं. कहने का मतलब कि द ट्रेडिशनल रूल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट इंजरी इज राइस. राइस मीन, राइस क्या है, एब्रीवेशन है. तो ये आर स्टैंड फॉर रेस्ट, आई स्टैंड फॉर आइस, सी स्टैंड फॉर कंप्रेशन एंड ई स्टैंड फॉर एलिवेशन. तो उस पर्टिकुलर लिम्फ को हम एलिवेट क्यों करेंगे कि ताकि वहां पे कोई स्वेलिंग या फिर कोई एडिमा फॉर्म ना करे, इसलिए हम उसको एलिवेट करेंगे. सबसे पहले हम उसको रेस्ट देंगे, फिर उसको आइसिंग देंगे, फिर कंप्रेशन देंगे एंड फर्दर उस पर्टिकुलर लिम्फ को हम एलिवेट करेंगे टू प्रिवेंट फ्रॉम एडिमा. Now further talking about the various technique used for administering cold. तो क्या क्या टेक्निक है भाई? तो फर्स्ट है आइस पैक. आइस पैक क्या है? एक पोर्टेबल प्लास्टिक बैग है जिसमें आइस रहता है. तो पोर्टेबल का मतलब होता है दैट इज इजी टू कैरी. तो एक ऐसा प्लास्टिक बैग जिसमें कि आइस रखा जाता है एंड फर्दर उसे हम थेरेपी करते हैं. उसके बाद होता है आइस मसाज, देन कोल्ड बाथ, देन वेपो कूलेंट स्प्रे जिसे हम कहते हैं एवेपोरेटिव कूलिंग भी कहते हैं. अब वेपो कूलेंट स्प्रे क्या है? ये एक तरीके का कोल्ड स्प्रे है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर रैपिडली कूलिंग सरफेस, ठीक है. अब क्या नेक्स्ट आता है? कोल्ड वर्लपूल. कोल्ड वर्लपूल जिसे हम कहते हैं इमर्शन इन कोल्ड भी कहते हैं. तो कोल्ड वर्लपूल में क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर पार्ट जिसे हम ट्रीटमेंट के लिए जो भी हम ट्रीटमेंट हो रहे हैं, दैट पर्टिकुलर पार्ट शुड बी इमर्स्ड, उसको डुबाया जाता है इन दैट पर्टिकुलर कोल्ड वाटर और उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज किया जाता है. देन क्रश्ड जो भी आइस है, जो क्रश्ड आइस है उसको उसमें डाला जाता है एंड फर्दर उसका प्रोसीजर होता है. एंड दिस टेक्निक इज यूज टू ट्रीट अक्यूट एंड सब अक्यूट कंडीशन. नेक्स्ट आता है कंट्रोल्ड कोल्ड कंप्रेशन यूनिट. तो कोल्ड कंप्रेशन यूनिट भी वही सेम है कि इसमें भी हम टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट अक्यूट मस्कुलोस्केलेटन इंजरीज. मस्कुलोस्केलेटन इंजरीज को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल होता है एंड इट इज कॉमनली सीन इन स्पोर्ट्स मेडिसिन फैसिलिटीज, ठीक है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भी क्रायोथेरेपी है तो इसका जो इफेक्ट होता है, द इफेक्ट ऑफ क्रायोथेरेपी डिपेंड्स ऑन द मेथड
here depends on the method, the duration, the temperature of ice and depth of subcutaneous fat. मतलब कि जो cryotherapy का जो effect है हमारे body पे क्या effect पड़ेगा तो वो किस पे depend करता है, किस तरीके से हम cryotherapy इस्तेमाल करें, मतलब कि क्या क्या method होना चाहिए, कितने duration पे हम इस्तेमाल करें, मतलब कितना duration तक हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या temperature है ice का या फिर जो भी subcutaneous fat है उसका क्या thickness है, उस पे भी depend करता है कि what should be the effect of cryotherapy. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्रायोथेरेपी का क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, कैसे जो हमारा बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करता है टुवर्ड्स द क्रायोथेरेपी. तो होता क्या है कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और जो नर्वस सिस्टम है ये दोनों पे अलग अलग इफेक्ट शो करता है. तो सबसे पहले हम बात करें कि सर्कुलेटरी सिस्टम पे कैसे इफेक्ट शो करता है. तो सबसे पहला क्या होता है कि द इनिशियल रिस्पॉन्ड क्या होता है हमारे बॉडी का, कि जब हम आइसिंग करते हैं, जब हम क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले जो बॉडी रिस्पॉन्ड करता है वो क्या करेगा कि वो हमारे हीट को, जो बॉडी का जो हीट है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा, उसको जो हीट जो लॉस है वो होने से बचाएगा. वो कैसे बचाएगा कि वहां का एरिया जहां पे हम जो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी टू बी ट्रीटेड, वहां पे जब हम आइसिंग करेंगे तो वहां का जो ब्लड वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेगा, और कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगेगा तो क्या होगा कि हीट लॉस होने से बचेगा. तो वही चीज है, द इनिशियल रिस्पॉन्स टू बॉडी इज टू रिड्यूस हीट लॉस. अब जो बॉडी हमारा जो रिस्पॉन्ड करता है टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ आइस, It represent in stages, मतलब कि ये stages में show करता है हमारा body respond कैसे कैसे करता है. तो क्या करेगा कि जब starting में जब हम icing देंगे that particular part, तो क्या होगा कि वहां पे vasoconstriction होगा. Obviously vasoconstriction होगा, क्यों होगा हम बताए थे कि क्यों होगा, क्यों, क्योंकि वो जो body है वो हीट को रिड्यूस होने से, प्रिजर्व होने से बचा रहा है, सॉरी हीट को प्रिजर्व कर रहा है, हीट को लॉस होने से बचा रहा है. तो वहां पे लोकल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, लोकल का मतलब है कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर पार्ट जहां पे आइसिंग हम दे रहे हैं उसी पर्टिकुलर पार्ट के ब्लड वेसल को ही कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो दैट इज कॉल्ड द लोकल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन. और जब लोकल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो उससे क्या होगा कि रिडक्शन इन ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा. अब ये किस कंडीशन में हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब किस कंडीशन में ये चीज हो रहा है, जब इंजरी हो रहा है तो इंजरी के जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी, जब हम आइसिंग कर रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी, जब हम क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उससे क्या होगा कि हम स्वेलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक, ये हो गया फर्स्ट स्टेज. अब सेकंड स्टेज में क्या आता है कि जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन तो हो गया, अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जब हम आइसिंग को कंटिन्यू अप्लाई कर रहे हैं तो 5 से 10 मिनट के बाद, विद इन 5 to 10 मिनट्स क्या होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पहुंच जाता है, मतलब कि होम्योस्टेसिस पहुंच जाता है. इक्विलिब्रियम का मतलब कि टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है, मतलब कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर एंड आइस का टेम्परेचर दोनों इक्विलिब्रियम होता है, दैट इज द होमोस्टेसिस. ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद अल्टरनेट वैसो डायलेशन एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है. मतलब ये कि पहले वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद जो हमारा ब्लड वेसल है वो वैसो डायलेशन में चला जाएगा, फिर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में जाएगा, फिर वैसो डायलेट करेगा, फिर वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा. मतलब कि ये जो प्रोसेस है ये हर 4 to 5 मिनट तक, ये मतलब 4 to 5 मिनट तक लास्ट करेगा. मतलब कि वैसो डायलेशन 4 से 6 मिनट तक होगा, उसके बाद फिर वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होगा 4 से 6 मिनट, फिर वैसो डायलेशन होगा, फिर वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होगा. समझ रहे ना क्या कह रहे हैं, क्या होगा कि सबसे पहले जो इनिशियल रिस्पॉन्ड क्या था, इनिशियल रिस्पॉन्ड था कि पहले लोकल वैसो कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है. ठीक, अब उसके बाद जब होमोस्टेसिस रीच कर जा रहा है, मतलब कि इक्विलिब्रियम रीच कर जा रहा है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, अल्टरनेट वैसो डायलेशन हो रहा है, फिर वैसो कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, फिर वैसो डायलेशन हो रहा है, फिर वैसो कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है. That cycle, यही cycle को हम क्या कहते हैं, this cyclic reaction is called Lewis Hunting reaction. ठीक है, इसी cyclic को हम क्या कहते हैं, Lewis Hunting reaction. ये जो reaction है हमारा body जो ये reaction show कर रहा है towards the cryotherapy. याद रखिए कि Lewis Hunting reaction क्या है, Lewis Hunting reaction क्या है कि जब हम आइसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, और उसके 5 से 10 मिनट के बाद वो जो वहां का जो पर्टिकुलर ब्लड वेसल है वो वैसो डायलेशन में चला जा रहा है, फिर वैसो कॉन्स्ट्रक्शन में चला जा रहा है. मतलब कि अल्टरनेट बारी बारी से वैसो डायलेट कर रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है. तो दिस साइक्लिक प्रोसेस इज कॉल्ड, साइक्लिक रिएक्शन इज कॉल्ड लेविस हंटिंग रिएक्शन. अब ये जो हमारा बॉडी है ये ऐसा रिएक्शन क्यों शो करता है, क्योंकि
टू प्रिवेंट टिश्यू इंजरी. टिश्यू इंजरी को से बचने के लिए ये हमारा रिएक्शन ऐसा शो करता है हमारा बॉडी. ठीक है, इसको हम ग्राफ से समझते हैं कि व्हाट इज दिस लुईस हंटिंग रिएक्शन. देखिए, तो ये ग्राफ है लुईस हंटिंग रिएक्शन का. लुईस हंटिंग रिएक्शन किसके ऊपर नाम दिया गया है? एक साइंटिस्ट है थॉमस लुईस, उनके ऊपर नाम दिया गया है. ये जो फेनोमिना है, ये जो रिएक्शन है, ये 1930 में सबसे पहले इसका जो ये जो इफेक्ट है 1930 में लुईस थॉमस इसको डिस्क्राइब किए थे. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द लुईस हंटिंग रिएक्शन. ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये आप देखिए, यहाँ पे वेसो डायलेशन है, नॉर्मल है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, और ये टाइम है. ठीक, बॉडी नॉर्मल है. अभी जब हम आइसिंग दे रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है आइसिंग दे रहे हैं, तो ये क्या जा रहा है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में जा रहा है. ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में जा रहा है. तो 5 से 10 मिनट तक वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही 5 से 10 मिनट तक हुआ, उसके बाद क्या हुआ? होमोस्टेसिस, दैट इज इक्विलिब्रियम रीच किया. उसके बाद क्या किया कि ये वैसो डायलेशन होने लगा. फिर क्या किया? फिर धीरे, फिर वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट, फिर वैसो डायलेट, फिर वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट, फिर वैसो डायलेट, फिर वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट. तो ये अल्टरनेट जा रहा है ना, वैसो डायलेट हो रहा है, फिर कॉन्स्ट्रिक्ट, फिर डायलेट, फिर कॉन्स्ट्रिक्ट, फिर डायलेट, फिर कॉन्स्ट्रिक्ट. तो दिस साइक्लिक रिएक्शन इज कॉल्ड अल्टरनेट वैसो डायलेशन एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड लुईस हंटिंग रिएक्शन. अब यहाँ पे ये देखें कि जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और अल्टरनेट वैसो डायलेशन एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो इसका थेरेप्यूटिक यूज क्या है? हाँ, तो जब इनिशियल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है? इससे ब्लड फ्लो में रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, तो दैट मीन्स कि मतलब जब ये रिसेंट जो भी इंजरीज हुआ है, तो हम जब आइसिंग करते हैं तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो रिड्यूस हो रहा है. और दूसरा चीज क्या हो रहा है कि जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो रहा है तो वो स्वेलिंग को लिमिट कर रहा है, और कुछ जो टिश्यू डैमेज है, टिश्यू डैमेज को रोकने से बचा रहा है. ठीक, अब जो नेक्स्ट आता है कि अल्टरनेट वैसो डायलेशन एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो इससे क्या होता है भाई? तो इससे क्या होगा कि इससे जो हमारे बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो क्या, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, दैट इज वो निकल जाता है, बाहर निकल जाता है. दैट इज रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबोलिज्म लाइक लैक्टिक एसिड एंड डिले फटीग. क्रायोथेरेपी हमारे नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट शो किया? अब क्या होता है कि नर्वस सिस्टम पे ये तीन तरीके से, मतलब तीन सेंड इम्पल्स थ्रू लार्ज डायमीटर अफरेंट नर्व से क्या करेगा? एंडोर्फिन या फिर इनकैफलिन या फिर स्ट्रेन मसल कंट्यू.